चाचा क्या बोलते थे, कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी बांटेगा, असंभव है। लेकिन उन्हीं चाचा के हाथ से उन 17 महीनों में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बटवाया, काम किया। 4.5 लाख निर्धन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाया 17 महीने में। गैस की कीमत को, सिलेंडर गैस की कीमत को 500 हम लोग करेंगे, जो मोदी जी के राज में 1200-1500 हो गया है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, देश को बनाने का चुनाव, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, भाईचारा बचाने का चुनाव। आप लोग सब लोग सुने होंगे, भाजपा के नेता लोग कितनी बार, एक नेता नहीं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूर्व हो या बिहार में भाजपा के लोग लगातार एक बात बोल रहे हैं, मोदी जी को प्रचंड बहुमत दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। यही बात बोल रहे हो, खुलेआम बोल रहे हैं। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, कोनो एड़ो गेड़ो बाबा का नहीं लिखा हुआ है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को जो है बदल सके, इस पे बात नहीं होती। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात नहीं हो रही। एनडीए का सांसद 10 साल से प्रधानमंत्री है, 17 साल से मुख्यमंत्री उनका है, बताइए आपके जीवन में क्या इन लोगों ने सुधार लाने का काम किया। यही मोदी जी आते थे कहते थे, भाइयों बहनों अच्छे दिन लाएंगे, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, 22 तक सबका पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कारखाना खुलवा देंगे, चीनी मिल खुलवा देंगे। एक काम जो है शिक्षा को बेहतरी में, चिकित्सा को बेहतरी में, या आप जो लोग यहाँ हैं आपके गांव में आपके पंचायत में एनडीए के लोग जो A to Z बैठे हैं, ऊपर से नीचे बैठे हैं, सांसद एनडीए का, बिहार में सरकार उनका, केंद्र में सरकार उनका, आपके गांव और पंचायत में क्या काम किया, कोई काम नहीं। केवल बोला जाएगा तो बोलते हैं कि राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है। अरे कौन, मोदी जी के आने के बाद से राशन मिल रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने में आया, उससे पहले से चला रहा है। पहले राशन मिलता था, पहले चीनी भी मिलता था, पहले तेल भी मिलता था, किरासनों तेल मिलता था। तो इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसता, ये लोग बड़ा बड़ा बात करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज बताइए, प्रधानमंत्री जी हर जगह आ रहे हैं, बिहार में चुनाव में प्रचार में, क्या उनके मुंह से नौकरी के बारे में सुन रहे हैं, किसान के बारे में सुन रहे हैं? आप गरीबी कैसे हटाइएगा प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में सुने? महंगाई कैसे कम करेंगे, इसके बारे में सुना? कोई काम जो है ये नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। और आप लोग मधेपुरा की जनता हमारे पिता की कर्म भूमि नहीं है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान हमेशा देने का काम किया, विधानसभा में भी आप लोगों ने मधेपुरा सीट जिताने का काम किया, लेकिन जिस हिसाब से हमको ताकत देना चाहिए वो ताकत नहीं मिला। आपका जब भाई बीच में चुनाव प्रचार कर रहा था तो बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, चाचा क्या बोलते थे, कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के नौकरी बांटेगा, असंभव है। लेकिन उन्हीं चाचा के हाथ से उन 17 महीनों में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बटवाया, काम किया। साढ़े 4 लाख निर्धन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाया 17 महीने में। तालमी मरकज हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो,
आंगनबाड़ी हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया, जाति आधारित गणना कराया और उसी के तर्ज पर हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाने का काम किया। रात भर अस्पताल में घूमते थे, छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साफ सफाई है कि नहीं है, ये सारा काम किया। आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जो खेलने वाले खिलाड़ी थे उनके लिए पहले कोई नीति नहीं थी, हम आए तो जो मेडल लेके आया देश के लिए उसको भी हमने नौकरी दिया, अधिकारी लेवल का नौकरी दिया, डीएसपी तक बन सकता है खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल लाएगा बिहार का लड़का, ये काम किया। जो पढ़ा उसको भी नौकरी, जो खेला उसको भी नौकरी। बिहार में निवेश के लिए हम लोग ने MOU साइन करवाया 50,000 करोड़ रुपए का, पहली बार बिहार में ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने काम किया। आज मेरा मानना है कि असली दुश्मन बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा असली दुश्मन महंगाई है, हमको इन सारी चीजों से लड़ाई लड़ना है, लेकिन बीजेपी के झांसे में नहीं आना। अगर आप लोग ताकत दीजिएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओगे, महागठबंधन की सरकार बनाइएगा, तो आने वाले 15 अगस्त को जिस दिन हमें आजादी मिली थी उसी दिन से 1 करोड़ लोगों को देश भर में नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे और बेरोजगारी से 15 अगस्त को आजादी दिलाने का काम करेंगे। 1 करोड़ हम लोगों ने प्रण लिया है, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। रक्षाबंधन के दिन आने वाला जितने गरीब परिवार की बहने हैं, हर साल उन बहनों को 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने जा रहे हैं। गैस की कीमत को, सिलेंडर गैस की कीमत को 500 हम लोग करेंगे, जो मोदी जी के राज में 1200-1500 हो गया है। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और यही नहीं, विशेष पैकेज हम लोग देने का काम करेंगे, पूरे बिहार में 1,60,000 करोड़ का पैकेज देंगे। 1,60,000 करोड़ का पैकेज यानी 1 लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा आपके विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए। 5 जगह हवाई अड्डे बनाएंगे और अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है, कोई सेना में भर्ती होना चाहता 4 साल के लिए होगा, 22 साल में हम लोग थोड़ा स्थिर बैठ जाएंगे। पीछे से बात खत्म, अग्निवीर योजना में क्या है, अग्निवीर योजना में यही है कि 4 साल ही आप सेना में रह सकते हैं, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन के साथ साथ आपको कैंटीन की जो सुविधा मिलती है सैनिक भाइयों को वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये योजना हम लोग खत्म करेंगे और शहीद का भी दर्जा देंगे, जैसे पुराना बहाली निकलता था वैसे ही निकाला जाएगा, रेलवे में भी निकाला जाएगा, सेना में भी निकाला जाएगा, पेंशन भी दिया जाएगा, कैंटीन की सुविधा, मेडिकल की सुविधा भी हम लोग देने का काम करेंगे, शिक्षा चिकित्सा को पूरे देश भर में हम लोग मुफ्त करने का काम करेंगे। ये काम हम लोगों के एजेंडे में है, इसलिए ऐसा 24 में 24 चल वचन हम लोग लेकर के आए हैं, आप लोगों के समक्ष हम लोग रखेंगे और भर मधेपुरा में पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग घूम घूम करके जो है काम करेंगे। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसके आगे भी हमारा कार्यक्रम है। माननीय अध्यक्ष जी जयदेव जी बता रहे थे कि आज जो है अजगर जी जो है पार्टी में शामिल होंगे, हम इनका पार्टी में स्वागत करते हैं, इनको बधाई देते हैं और सभी हमारे साथी गण अरुण बाबू यहाँ बैठे हैं, सब लोग हैं यहाँ, ध्यानी क्लास है, प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी वगैरह है, प्रभात जी वगैरह सब लोग आए हैं। प्रभात जी आ गए तो जाने का तैयारी मत कीजिए, आप आते हैं जाते हैं लेकिन खाली टिकटे में उलझाए रहते हैं, अस्थिर से रहेगा आदमी, बार बार एगो तो चाचा पलटते हैं,
चाचा जी तो पलट गए पलट गए। बताओ चाचा नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गया हो। अब आए हैं तो नेतृत्व पे भरोसा रखे। पार्टी माई बाप होती है और आप सब मधेपुरा के लोग, अगर मधेपुरा हमको नहीं ताकत देगी तो कौन देगा रे भाई। ये बात चल, हम लोग अकेले लड़ रहे, अकेले तेजस्वी लड़ रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, रक्षा मंत्री आ रहे, गृह मंत्री आ रहे, देश भर के योगी आ रहे। अकेले मेरा हेलीकॉप्टर दौड़ रहा, अकेले लड़ रहे। हम तो आप ही के लोग हैं, आप लोग मालिक हैं और आप ही लोग ताकत देते तो हम लोग लगते हैं। तो हम तो कहेंगे कि चंद्रदीप को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सांसद रहे, उनके पिता स्वर्गीय रवि जी उनके पुत्र हैं, यही मधेपुरा के हैं। तो हम लोग तो लोगों के राय से, सब लोगों से राय से हम लोगों ने उनको टिकट दिया है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग उनको जुटाने का काम करें और हमको ताकत देने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। फिर चुनाव प्रचार में हर विधानसभा में आप लोगों के बीच आकर के अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मधेपुरा की जनता जिंदाबाद। सभी साथियों से